हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू सीरीज ऑफ वीडियो कॉल्ड हाउ टू बीट लोकल लेजेंड्स डे वन। तो इस सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा कि हर एक जो नेथलैंड का लोकल लेजेंड है उसे कैसे बीट करना है एंड कैसे डुअलिस्ट अचीवमेंट कंप्लीट करना है। डुअलिस्ट अचीवमेंट मतलब ये वाला जो अचीवमेंट है, ये विद दिस नेम कार्ड, ये सारा का सारा कैसे कंप्लीट करना है मैं पूरा हर एक दिन एक एक का बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे कि हर एक अचीवमेंट कंप्लीट करना है एक्सेप्ट दिस वन। 10 नहीं बताऊंगा, 9 बताऊंगा ये वाला छोड़ के, क्योंकि ये वाला सिंपल है। तुम्हें बस फाइट करना है एंड ऑल, मतलब क्या कुछ करना है वो मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। बाकी के जितने भी हैं उन सब का एक एक दिन में मैं डेली बता दूंगा 9 डेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दो, जो वाला मैंने बोला कि मैं नहीं दिखाने वाला हूँ क्या करना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे है वो बॉस, मतलब तीन फटुई है यहाँ पे, बस यहाँ पे टेलीपोर्ट करना है और इनके पास चल के जाना है और ये फाइट स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इसके लिए फर्स्ट जो अचीवमेंट है उसके लिए आपको तीनों को हराना होगा, मतलब फिनिश करना होगा। सेकंड वाले अचीवमेंट के लिए पहले जो पायरू फटुई है उसे मारना होगा, उसके बाद बाकी दोनों को। एंड थर्ड वाले के लिए कोई सा भी एक को मारने के 10 सेकंड के अंदर बाकी दो को भी मारना होगा। मतलब तीनों जो यहाँ पे फटुई होंगे, एक को जैसे मारोगे उसके 10 सेकंड के अंदर बाकी दो को भी आपको मारना है, वरना अचीवमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा समझ के गाइस, पायरो वाला जब डाउन होगा, मतलब खत्म हो जाएगा, तो वो बफ देगा इलेक्ट्रो और क्रायो वाले। अगर क्रायो वाला फूटा तो फिर वो अपने चारों तरफ एक ह्यूज क्रायो एओई बनाएगा जिसमें इंसेन डैमेज पड़ता है, मतलब 50-60 के जोंगली का शील्ड सेकंड्स में गायब और खत्म। और इलेक्ट्रो वाला जब डाउन होगा तो एकदम ब्लास्ट होगा वो एंड इंसेन डैमेज डील करेगा, वही सेम शील्ड एकदम खत्म। तो ये वाला बस सिंपल, कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी नहीं है, सिंपली इसे फाइट करके हराना है। एंड बाकी आज जिस लोकल लेजेंड का मैं गाइड बताने वाला हूँ वो है ये वाला टर्टल। तो टर्टल है इस लोकेशन पे, आपको ये वाले स्टैचू ऑफ 7 टेलीपोर्ट करना है और वहां से यहाँ तक आ जाना है, या फिर नहीं ये वाला नहीं सॉरी, इसी पे टेलीपोर्ट करके यहाँ से चल के आ जाना है। अब टर्टल आपको बाय डिफॉल्ट दिखेगा नहीं, ठीक है, टर्टल जैसे मेरे यहाँ पे है आपको दिखेगा नहीं। जब पहली बार आओगे टर्टल यहाँ पे नहीं रहेगा, आपको चारों तरफ ये जो अरीना, इसके चारों तरफ दिखेंगे इलेक्ट्रो क्रिस्टल, जैसे यहाँ पे देख सकते हो टूटा हुआ, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रो क्रिस्टल्स होंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रो क्रिस्टल्स आपको तोड़ना है, एंड जैसे ही सारे के सारे आप तोड़ लोगे ये टर्टल स्पॉन हो जाएगा। फर्स्ट अचीवमेंट के लिए सिंपली आपको इसे फिनिश करना है एंड आपको फर्स्ट वाला जो अचीवमेंट है वो मिल जाएगा। सेकंड वाले के लिए इसका शील्ड आने से पहले, अगर इस पे आप सर्टेन अटैक्स करते हो, आई थिंक 36 या 38 अटैक्स, उसके बाद ये शील्ड लगा लेता है। तो सेकंड अचीवमेंट में वो शील्ड आने से पहले आपको इसे फिनिश करना होगा। अब वो कैसे करे, देखो उसके लिए सबसे बढ़िया तो है मुआलानी। अगर मुआलानी आपके पास है तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए उसे फिनिश करना। एंड सेकेंड कैरेक्टर जो मेरे दिमाग में है कि अच्छी तरह उसे फिनिश कर पाएगा, दैट इज येलान। येलान पे आपको इस एनिमी को मारने के लिए येलान के स्किल से फिनिश करना होगा, ठीक है, ना कि बर्स्ट वगैरह यूज करके। तो येलान पे अच्छा खासा एचपी लेके जाना, अच्छा खासा एलिमेंटल मैस्ट्री एंड रेशियो तगड़ा लेके जाना। ईआर कोई मैटर नहीं करता। वेपन, अगर आपके पास कोई क्रिट वेपन है, जैसे कि मेरे पास ये क्रिट डैमेज वाला वेपन है, या फिर कोई क्रिट रेट हाई रेशियो मेंटेन करने के लिए क्रिट वेपन लेके जाना। अगर एक्वा है तो डेफिनेटली एक्वा यूज करना, बट अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप रिकार वो भी यूज कर सकते हो लेवल 90 पे, ये आपको काफी सारा एचपी दे देगा। आपको सैंड यूज करना है एलिमेंटल मैस्ट्री का, नॉर्मली जैसे एचपी करते हो, इंस्टेड ऑफ दैट मैं बोलूंगा एलिमेंटल मैस्ट्री का सैंड यूज करना। और सर्कलेट, अगर एचपी का वेपन यूज कर रहे हो तो फिर सर्कलेट में क्रिट डैमेज या क्रिट रेट, और अगर सीआर या सीडी का वेपन यूज कर रहे हो तो फिर मैं बोलूंगा सर्कलेट में एचपी लेके जाना एंड रेशियो अच्छा खासा मेंटेन करना। इसका सीआर हाई रखना, अराउंड 70% सीआर रखना, सीडी 180 के आसपास, ताकि ये क्रिट स्कैम ना करे अपने एलिमेंटल स्किल से। एंड ऑल्सो इसके ऊपर फूड भी यूज कर लेना, फूड जैसे वो एचपी स्केलिंग कैरेक्टर है तो मल्टीपल फूड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये टिया का स्पेशलिटी फूड 30% एचपी देता है, या फिर ये नॉर्मली दिखता है गिल्डेड ताजिन, ये 25% एचपी देता है। एंड क्रिट वेपन सॉरी क्रिट फूड भी है, ये है निवलेत का स्पेशलिटी। ये वाला कोई स्पेशलिटी फूड नहीं है, बट ये वाला फूड अगर डिलुक्स से कुक करोगे तो एक स्पेशलिटी मिलेगा, उस पर 20 CR 20 CD मिलेगा, जैसे कि सेम निवलेत वाले पे मिलता है। वो वाला फूड भी मैं बोलूंगा यूज कर लेना, एंड हाइड्रो पोशन भी यूज कर लेना, ताकि आप डैमेज अच्छी तरह कर सको एंड कोई भी क्रिट मिस ना करो, ठीक है। तो मैं ये फूड्स यूज कर लेता हूँ।
मैं भी यूज करूंगा ताकि क्रिट स्कैम ना हो मेरे ये लैन पे। अच्छा खासा सीआर तो है लेकिन ये फिर भी क्रिट स्कैम करती है, आई मीन ये लैन बोला सॉरी मोलानी पे, तो ऐसा मेरा रेशियो बन जाएगा ठीक है। एंड अब इससे बिना इसके शील्ड मतलब इसके शील्ड लगाने से पहले इसे फिनिश करना है। फर्स्ट वाले सॉरी सेकंड वाले अचीवमेंट के लिए, फर्स्ट वाले के लिए बस इसे फिनिश करना है। तो सेकंड वाले के लिए शील्ड दूर से लगा लेना, ये आपको देखना है कि ये जोंगली का जो मैंने शील्ड लगाया है ठीक है, थोड़ा सा इसका स्किल भी हिट करता है, अगर उसके पास जाके ये शील्ड लगा हुए तो फिर स्किल का हिट इसे पड़ेगा एंड उससे भी इसे अपने शील्ड के लिए स्टैक मिलेगा। तो ये शील्ड आपको इससे दूर रह के लगाना है और जोंगली के पिलर के पास इसे नहीं आने देना है। तो दूर शील्ड लगाना है, अब बस उसके पास जाना है, फायर अप्लाई करना है और मुअलानी या फिर येलान से वेयर ठीक है। फिर से दूर जाओ, जोंगली का शील्ड लगाओ। अच्छा ये वाले अटैक से बचना, ये वाला अटैक बहुत खतरनाक है, ये स्पिन स्पिन करता है जो गंदा डैमेज डील करता है, तो इस वाले अटैक से बचना है। एंड अटैक ठीक है, इसका अटैक पैटर्न है, दो बार ये इलेक्ट्रो बॉल फेंकेगा और फिर वो स्पिन करेगा ठीक है, ये सिंपल है। बट कई बार हो सकता है कि एक बार वो बॉल फेंके और फिर स्पिन करना शुरू करते हैं, अब स्पिन करेगा देखा, तो यही सीन है, इससे बच के रहना। और ये जो एनर्जी है यहाँ पे, ये वाला स्टोन है, इससे मुअलानी का, अगर मुअलानी यूज करो तो फिर मुअलानी का एनर्जी इससे फिल हो जाएगा। ऑलमोस्ट 50% 50 नहीं 40% एचपी चला गया इसका, 1/4 भी शील्ड नहीं हुआ है ठीक है, तो समझ सकते हो काफी इजी है। अब बस यहां से ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है, तो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा एंड चुप हो जाता हूं मैं। ओके तो ये ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है ठीक है, चलो ये ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया, जैसा देख सकते हो एचपी बहुत लो है, लिटरली एक से दो हिट में ये खत्म हो जाएगा। एंड अगर मैंने इसे अभी खत्म कर दिया तो फिर ये रिस्पॉन नहीं होगा एंड कल रिस्पॉन होगा, तो मेरे को 2 दिन लग जाएगा वीडियो बनाने में। तो इसे अभी मैं शील्ड लगाने दूंगा, मतलब नॉर्मल अटैक्स करूंगा ताकि ये शील्ड लगा पाए, और मैं थर्ड वाला अचीवमेंट कैसे करना है वो भी बता दूंगा। बट मैंने ये जो सेम जो किया था मुगलानी से, वही सेम आपको येलान से करना है, बट येलान के स्किल से, येलान का बर्स्ट यूज नहीं करना है ठीक है। एंड सेम तरीके से, अरे चुप हो जा जाऊंगी, सेम तरीके से आपको उसे फिनिश करना है। अब जो थर्ड वाला अचीवमेंट है, थर्ड वाले अचीवमेंट के लिए आपको उसे शील्ड लगाने देना है, और शील्ड के एक स्पेशल अटैक होता है इसका, अगर मतलब शील्डेड फेज में तो ये बहुत ही खतरनाक वाले अटैक्स करेगा ही, लेकिन एक अटैक होता है कि इसके अगर आप पास रहोगे तो पास रह के इसे डैमेज दोगे तो फिर इसके अटैक्स कुछ रिफ्लेक्ट होके आपको डैमेज करेंगे, आपको उन अटैक से बचना है। एंड उन अटैक से बचते हुए शील्ड तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है गान्यू, या फिर अगर आपके पास टाइनरी है टाइनरी, या फिर एम्बर, दूर से इन बो यूजर से आप उसका शील्ड तोड़ सकते हो। तो सिंपली आपको इसका शील्ड लगाने के बाद, ये थर्ड वाला अचीवमेंट है ठीक है, ये मत भूल जाना, ये सेकंड नहीं, ये थर्ड वाला अचीवमेंट है, इससे आपको शील्ड लगाने देना है इस टर्टल को, 36 या 38 जितना भी अटैक है। मैं बोलूं अरे यार इससे स्क्रीन पे लाओ, ये बातें करने लगता है। हाँ तो थर्ड वाला जो अचीवमेंट है उसके लिए इससे 36 या 38, पहले मैं बोलूंगा थोड़ा इसका एचपी लो करा लेना ठीक है, फिर जो शील्ड है इसे लगाने देना इसका शील्ड, उसके बाद इसके पास नहीं रहना, इससे दूर रहना, और अपने बो यूजर से चार्ज अटैक करके तोड़ना, मतलब चाहे आपके पास गानी हो, चाहे आपके पास टाइनरी हो, या फिर चाहे आपके पास एम्बर हो, इससे दूर रह के आपको इसका शील्ड तोड़ना है। बट एक चीज याद रखना, ये तीनों के तीनों अचीवमेंट आप एक ही दिन में नहीं कर सकते, मैंने जो बोला तीनों के अलग अलग अचीवमेंट है वो अलग अलग दिन पे करने पड़ेंगे, या फिर किसी और के वर्ल्ड में आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला अपने खुद के वर्ल्ड में किया, दूसरा वाला किसी और के वर्ल्ड में, तीसरा वाला किसी और के वर्ल्ड में, एंड अगर आप किसी लो एयर प्लेयर का वर्ल्ड विजिट करते हो, ये अचीवमेंट्स हर एक लोकल लेजेंड का बहुत ईजी होगा, लेकिन जितने भी स्टोन वाले लोकल लेजेंड्स हैं उनसे आप वो अपने फाइट नहीं कर सकते, उनको आप सोलो में ही बीट करना होगा, उनके भी मैं गाइड वीडियोस ला दूंगा कैसे का कुछ बीट करना एंड ऑल।
बट ये वाला आप कोऑप में कर सकते हो दूसरे लोगों के वर्ल्ड विजिट करके। तो मैं बोलूंगा अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है लाइक येलान एंड मुअलानी, तो फिर मैं बोलूंगा कि कोई स्मॉल एआर प्लेयर का वर्ल्ड चले जाना एंड वहां से आपके पास आपका जो भी स्ट्रॉन्ग डीपीएस है उससे ट्राई करना सेकंड वाले अचीवमेंट के लिए। सेकंड वाला थोड़ा सा टफ है, थर्ड वाला तो वही बोला बस शील्ड तोड़ना है। तो अब थर्ड वाला मैं दिखाता हूँ इसका शील्ड कैसे तोड़ना है। पहले तो इसे लगाने दे दूंगा शील्ड में, तो उसके लिए मैं इसे अटैक करूंगा। जैसे कि देख रहे हो इसका शील्ड स्टैक हो रहा है और ये लगा लिया इसने शील्ड, मतलब लगाएगा आप। अब इससे आपको दूर रहना है, ठीक है? पास रहोगे तो फिर ये जो अटैक करोगे आप वो रिफ्लेक्ट करके आपके कैरेक्टर्स को भी डैमेज करेंगे। अरे भाई, एंड इसके अटैक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जोंगली का शील्ड को तो मजाक बना के रख दिया इसने, ठीक है? ये सारे अटैक्स अगर आपको हिट करते हैं तो कोई इशू नहीं है, इन सब अटैक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसके पास रहोगे तो फिर एक अटैक करेगा ये, उससे आपको डॉज करना है, मतलब वो अटैक आपको हिट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे दूर रह के इसका शील्ड तोड़ना है। शील्ड टूट गया, इजी। अब बस इसे फिनिश करना है। अब मैं वही रिपीट करूंगा, वेव वाला स्ट्रेटेजी एंड खत्म, इजी। तो ऐसे बहुत इजीली आप ये वाला अचीवमेंट जो है कर सकते हो क्लियर, स्पेशली मुअलानी और येलान आपके पास है तो बहुत इजी रहेगा, ठीक है? सो ये था ये टर्टल का गाइड। एंड बाकी के जो आठ है मैंने जो बताया, एक का नहीं बताऊंगा मैं, बाकी के जो आठ है उनका भी मैं गाइड्स वीडियो डे बाय डे हर एक दिन एक एक करके बना दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बाकी गाइड्स के लिए। सो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।